सातपुड़ा पर्वत माला पर वैसे तो बहुत ऐतिहासिक जगह मौजूद है, पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे उमर देव, अमरनाथ और उमर शहीद दरगाह के बारे में जानेंगे। जलगांव से होते हुए जाए तो धनोरा महासिद्ध गांव रास्ते में लगता है। वड़गांव और धनोरा के बीच एक फाटा हनुमत खेड़ फाटा आता है। यहां से होकर हमें रायपुर तक जाने के लिए पक्की सड़क है। रायपुर फाटे से हमें सराया मार्ग से आगे जाना होता है। उमर देव जाने के लिए सराया नामक बस्ती लगती है, जो एक ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यहां देखने वाली जगह सराय की जूनी मस्जिद है और यहां मुस्लिम कब्रिस्तान है। एक कुआ है जो देखने के काबिल है और एक दरगाह। यहां से आगे चले, चारों ओर हरियाली, खूबसूरत पेड़ पौधे, हरी हरी पहाड़ियां, बहुत खूबसूरत नजारा होता है। आपको देखने के बाद पता चलेगा, टेकड़ियों की दरारों से निकलते छोटे छोटे पानी के झरने जैसे प्राकृतिक सौंदर्य की एक झलक हो, हमारा स्वागत कर रही हो। उमरदेव गुफा यह पवित्र स्थान हिंदू भाइयों की आस्था की एक जगह है और इसे तप भूमि कहा जाता है, जहां हिंदू श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू मान्यता अनुसार यह एक तप भूमि है, जहां बड़े बड़े संत साधु अपनी साधना किया करते थे। यहां पर 12 महीनों में से श्रावण महीने में श्रद्धालु ज्यादा आते हैं। और मर्दों पर श्रावण महीने में श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जाता है।
विसर्ग रम्य वातावरण, पक्षियों की चहचहाट और शांति का अनुभव यहां होता है। तो चलिए दोस्तों, इस उमरदेव गुफा के बारे में हम यहां के हरिओम गिरी नागा बाबा जी से सुनते हैं, वह क्या कहते हैं इस जगह के बारे में। ये जो स्थान है ये पवित्र गुफा है। अच्छा। हाँ, ये पुराने जमाने से कम ये जब पहाड़ी तैयार होगी ना उस टाइम से ये। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कम से कम लाखों संत तप करके निकल गए। ये तपोभूमि है। तपोभूमि कहते से। यहाँ पे बड़े बड़े संतों ने तप करके निकल जाते हैं। ये तपोभूमि होने है। नीचे अमरनाथ है। अच्छा, नीचे अमरनाथ है। नीचे अमरनाथ है, वहाँ पे पानी और शास्त्र लिंग भी बन चुका है और नंदी भी बन चुका है। वहाँ पे पहले अश्वस्थामा फूल चढ़ाता था। अच्छा। तो अभी बंद हो गया वो फूल चढ़ाना। पहले लेकिन यही अश्वत्थामा जी की बात तो असीरगढ़ से भी। असीरगढ़ से भी नहीं जाती, यहाँ पे पहले चढ़ाते थे पहले। अच्छा। कम से कम उसको हो गए 200-300 साल हो गए। अभी लोग बोलते हैं कि चढ़ाते थे बोले यहाँ पे पहले। जो फूल ऐसा मिलता था कि जहाँ इधर के एरिया में फूल नहीं मिलता था, वो ऐसा फूल चढ़ाते थे। ऊपर भी पार्वती माता की गुफा है। ऊपर? हाँ, ऊपर। तो वो गुफा में अभी अच्छा। मूर्ति है नहीं, वहाँ पे रस्सी से उतरना पड़ता है। रस्सी से उतरना पड़ता है। अभी वो बनाने का थोड़ा धीरे धीरे बनना जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होना, लोग अच्छे आने को होना। कैसे लोग दारू पी के आ रहे हैं। जी जी जी। क्या दारू पीने के बाद में क्या लोग झगड़े कर देते हैं। यहाँ से कम से कम 70-80% लोग दारू पी के आते हैं। बहुत अफसोस की बात है। ये भगवान का स्थान है, कम से कम दारू पी के नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए जी। अभी देखो अभी झगड़े का लोग क्या ऐसे ही यहाँ पे चलता है सब। इधर लोग सब दारू बेचते हैं, गौरन दारू मिलती, गौरन दारू मिलती, इसीलिए लोग गप गौरन पी के आ जाती है यहाँ पे। कैसा है, भगवान का स्थान होने के बाद दारू पी के नहीं आना चाहिए। दारू पी के नहीं आना चाहिए जी। बस इतना ही बोलना चाहते हैं हम। बाकी स्वयं भू सब कसम, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सब बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे चढ़ाते थे फूलों अश्वस्थामा का। अच्छा। आज कोई चढ़ा रात को 6 बजे के टाइम में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ऐसी छटा आ गए कि उन्होंने वो फोटो धोने के बाद में उन्होंने दिखाया मेरे को, तो बोले थे महाराज ये फोटो यहाँ निकाला था बोले हमने। तो मैंने बोला यार यहाँ तो ऐसा तो है नहीं, तो फोटो में जो चीज आ गए वो आप देख लेना कैसी है। तो बिल्कुल अलग ही छटा है वो। तो बुलाने वाले निकला था वो। अच्छा अच्छा। ये रोशनी है ना ये जी, ये कैमरे में निकल गई।
उमरदेव गुफा के ऊपर रास्ते से चले तो उमर शहीद सूफी बाबा की दरगाह शरीफ है और कुछ कब्रों के अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का। नाम भी एक, बस हिंदू भाइयों के लिए उमरदेव हो गया और मुस्लिम भाइयों के लिए सूफी उमर शहीद की मजार पाक। चलिए हम थोड़ा दरगाह के बारे में जानेंगे कि दरगाह किसे कहा जाता है। एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं, इस यात्रा को जियारत कहते हैं। यहां थोड़ा घूमने के बाद हमें यहां एक छोटा कुआं नजर आया जो पुराने दौर का बना हुआ था। उमर शहीद दरगाह के आसपास जूने बांकाम के अवशेष नजर आए जो चूना मिट्टी से बने हुए थे। आगे रास्ते से चले तो जंदूपानी नामक गांव आता है जो बुरहानपुर जिले में आता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जो हमारे चैनल का आइकॉन नजर आ रहा है आपको वीडियो पर, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।